शिवा कोशिश तो पूरी कर रहा है इस मामले को सुलझाने की, पर अब तक लौटा क्यों नहीं? पता नहीं काम बना भी या नहीं, कैसे ठीक होगा ये सब? ताई, उस वीडियो का कुछ हुआ? दादा ने कुछ बताया? सोनल घर आएगा तभी तो बात होगी ना, पता नहीं कहाँ है, कोई सोल्यूशन मिला नहीं मिला कुछ नहीं पता, उसी बात की टेंशन हो रही है मुझे भी। देखती हूँ, करती हूँ कुछ। सोनी सॉरी काकी, मैंने देखा ही नहीं, गलती से हो गया, कोई बात नहीं। सॉरी मेरी वजह से आपके हाथ से दिया गिर गया। कोई बात नहीं, अनजाने में हुआ है। सिद्धि बेटा, सिद्धि अब जलवा से कुछ पता चला क्या चल रहा है? जलवा को फोन करती हूँ। अच्छा वो आपने याद दिलाया। एक और बार ट्राई करते, क्या हुआ? ये सब मेरी वजह से हुआ है, झाड़ू लगाना मेरा काम था, अगर मैं मेरा काम कर लेती तो ये नौबत ही नहीं आती। और मुझे क्या पता, मुझे ऐसा सपने में भी नहीं आएगा ना कि वो अचानक झाड़ू लगाने लगेगा। सिद्धि तू खुद को दोषी क्यों मानती है? पति होने के नाते शिवा ने तुम्हारी मदद की है, ये तुम्हारे लिए गर्व की बात है। शिवा तुम्हारे पढ़ाई के बारे में सोचता है। ये सब कुछ इस सुनबाई की वजह से हुआ है। वहिनी ये अब कैसी बातें कर रही है? सिद्धि का उसमें क्या कसूर है? तुझे तो इसमें कोई दोष दिखाई नहीं देता ना, ये तेरे लिए तो आदर्श बहू है ना, और तू, तेरे हाथ में मेहंदी लगी थी जो झाड़ू नहीं लगा सकती थी तू। पूरी दुनिया में तू अकेली लड़की है ना जिसे आगे पढ़ना है, और ससुराल वाले पढ़ा रहे हैं। आज तेरी वजह से मेरे शिवा ने हाथ में झाड़ू लिया और अक्का भाई आके उसके हाथ में नारियल देने की बात करके चली गई। अब प्लीज मुझे कर, चुप रह। तेरे कदम जब से इस घर में पड़े हैं ना, एक के बाद एक मुसीबतें आ ही रही है। अरे मैं पूछती हूँ, तुझे पढ़ना है तो उसकी कीमत पूरा परिवार क्यों चुका है? आपको सच में ऐसा लगता है कि आज जो भी हुआ उससे मैं खुश हूँ? अगर आपको ऐसा लगता है तो ऐसा नहीं है। और इन सब बातों का मेरी पढ़ाई से क्या लेना देना? आप बार बार मेरी पढ़ाई को क्यों बीच में? अच्छा तू किससे झूठ बोल रही है रे, मुझसे या अपने आप से? ये सारा किया कराया तेरी पढ़ाई की वजह से ही तो है, उसी की वजह से तो शिवा ने हाथ में झाड़ू लिया और ये सारा बवाल हो गया। और फिर भी तू पूछ रही है कि तेरा कसूर क्या है? अरे पूरा रुद्रायत हंस रहा होगा मेरे शिवा की वो वीडियो देख के, पक्का भाई का लाडला झाड़ू लगा रहा है। मेरे बेटे को वचन दिया है मैंने कि उल्टा सीधा कुछ नहीं करूंगी, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, अगर तूने कुछ उल्टा सीधा कर दिया ना तो मैं तुझे मार दूंगी। क्यों की रहूंगी इन्हें? तुझे क्या लगता है मेरा बेटा तेरी बात मान लेगा? अरे मैं खुद अपनी कमर क्यों तुड़वाऊंगी? इसी ने गिराया है मुझे। वो वहां पे दिए से तेल गिर गया था, गलती से उनका पाँव फिसल गया और वो गिर गए, इन्हें कुछ नहीं किया। आपने बोल दिया, अब चुप रहे। पर मैं सच कह रही हूँ। आई तू चल मेरे साथ अंदर। हाँ, ले जाती हूँ, मर गई।
सोनी हमेशा ऐसा। ताई अभी आप ज्यादा नहीं सोचो, हम सबसे पहले पास में जो डॉक्टर पटवर्धन है ना उनके पास चलते हैं आई के लिए, उसके बाद बात करते हैं। भाई ये जो भी कुछ हुआ इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आप प्लीज ये सारी बातें अपने दिल पर मत लो, पढ़ाई पर ध्यान दो, आपका बहुत टाइम वेस्ट होता है इन सारी चीजों से। ये तो नरपत का आदमी है, सागर दादा ये नरपत के आदमी के साथ क्या कर रहा है? सब कहां गए होंगे इस वक्त? ताई कहां खो गए आप? चलो क्या हुआ? चलो आपने सुना मैंने क्या कहा? क्या कहा? ज्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ी सी मोच है कमर में, दवाई दी है, एक दो दिन में ठीक हो जाएंगे। मैंने सच में कुछ नहीं किया, मैंने उनको हाथ भी नहीं लगाया, तो यहाँ पर तेल गिर गया। आपको मुझे सफाई देने की कोई जरूरत नहीं, मैं जानता हूँ अब जानबूझकर आए कुछ चोट नहीं पहुंचेंगे। वो वीडियो का कुछ पता चला? शिवा दादा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा है। देखिए आप पहले शांत हो जाइए, आराम से बताइए क्या हुआ। मैं जानता हूं ना अक्का भाई तेरे लिए क्या है, अगर सच पता नहीं चला ना तो अक्का भाई की नजरों से तू गिर जाएगा। अगर माई ने मुझसे मुंह फेर लिया ना तो मेरा तो वजूद ही खत्म हो जाएगा। ये सब मेरी वजह से हो रहा है। मेरे ख्याल से इस वक्त हमें सिर्फ और सिर्फ उस वीडियो के बारे में सोचना चाहिए कि वो वीडियो नरपत तक कैसे पहुंचा। देखो जलवा मैं जानती हूँ ये मीटिंग के कामों के चलते तुम बहुत सारे लोगों से मिले होंगे, इसलिए तुम्हें याद करना मुश्किल हो रहा है, लेकिन एक बार फिर से याद करो, कोशिश करो, अगर तुम्हें ये याद आ गया ना तो ये गुत्थी सुलझ जाएगी। मैंने वो वीडियो बनाई और मैं बाहर बैठा था आंगन में अपनी जीप में, मैंने बस वो वीडियो दिखाई झाड़ू निकालती हुई, तो बंडे ने ना मेरा मजाक उड़ाया, तो मैंने मोबाइल वैसे ही सीट पे रख दिया और उसके पीछे दौड़ा उसको मारने के लिए। तब हाँ अरे तब अपने सागर भाऊ थे ना वहां पे, या? सागर दादा यहाँ आया था? हाँ सागर भाऊ आए थे तुझे मिलने के लिए काम के सिलसिले में, तो मैं अपने लड़के और उसके अलावा बस सागर भाऊ ही थे जो मेरे मोबाइल के पास थे। कैसी बात कर रहा है जलवा? सागर भाऊ इनके भाई है, मास्टर जी के बेटे है, वैसा कभी नहीं करेंगे। मैं बस बोल रहा हूँ कि सागर भाऊ थे। जलवा सागर भाऊ ऐसा कभी नहीं कर सकते। चलवा कह रहे हैं जो मैंने देखा इसका मतलब तो यही होता है कि सागर दादा। सिद्धि कितने दिनों बाद आई है तू, बाबा तुझे देखेंगे तो बहुत खुश होंगे, चल अंदर चला जा। मैं तुमसे बात करने आई हूँ दादा। मुझसे? ये तो और भी अच्छी बात है, बहुत दिन हो गए हमारी बात नहीं हुई ना।
आजा बैठ के बात करते हैं। जलवा के फोन से वो वीडियो नरपत तक तुमने पहुंचाई ना? तू क्या बोल रही है? मैं समझ नहीं पा रहा। तू इन सब चक्कर में मत पड़ सिद्धि, ये तेरी समझ के बाहर है, कुछ नहीं है साजा। अगर मेरी समझ के बाहर है तो जवाब देकर समझाओ दादा, नहीं समझ आएगा तो फिर देखते हैं। देख, तू जैसा सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं है, सच में। दादा मैं क्या सोच रही हूँ उसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। अभी जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दो, वो वीडियो तुमने नरपत तक पहुंचाई या नहीं? हाँ या ना? सिद्धि देख, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, अपने भाई से सवाल जवाब करेगी तू? कल तुम मेरे घर के बाहर तक आए थे, जलवा से मिले थे, उससे बात की थी, तो फिर घर के अंदर क्यों नहीं आए? क्योंकि जलवा मुझे बाहर मिल गया था और उसने मुझे बताया कि शिवा घर पे नहीं था, और वो बोला कि अगर कुछ काम होगा तो शिवा खुद मेरे पास आ जाएगा बताने। तो फिर अंदर आके क्या मतलब था, तू ही बता। क्यों? मैं नहीं थी अंदर, मुझसे मिलने का दिल नहीं किया, या फिर वो वीडियो जल्द से जल्द नरपत तक पहुंचाना था इसलिए बाहर से ही चले गए? उसकी गाड़ी में बैठकर कहां गए थे दादा? हाँ, मैंने ही दिया वो वीडियो नरपत को, आजकल यही काम कर रहा हूं मैं सिद्धि। पर इसका मतलब ये नहीं है कि अक्का भाई या शिवा से मेरी कोई दुश्मनी है, नहीं, मैं ये अक्का भाई की मदद करने के लिए कर रहा हूँ, उनके अच्छे के लिए कर रहा हूँ। ऐसे किसी की मदद करने से क्या फायदा जिसमें एक बेगुनाह को बेवजह बदनाम होना पड़े? वाह, बाबा जब ये सुनेंगे ना कि तुझे अपने पति की कितनी फिक्र है, उन्हें बहुत खुशी होगी सिद्धि। तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, बात यह है कि तुमने उसके खिलाफ जाकर नरपत की मदद की, उसे धोखा दिया तुमने। क्यों? क्या बोल रही है सिद्धि, ये धोखा और ये ऐसे हवा में तीर छोड़ने से कुछ नहीं होने वाला। मुझे पता है मैंने क्या किया है और मैं उस बारे में अक्का भाई से जाके खुद बात कर लूंगा, ठीक है? तू इन सब में मत पड़। अक्का भाई से बात करनी है ना, तो चलो मेरे साथ घर, अक्का भाई वहां आती ही होगी। उन्होंने सिर्फ 24 घंटों की मोहलत दी थी ये सब संभालने के लिए। 24 घंटे पूरे होने को है तो चलो फिर वहीं जाकर बात करते हैं। नहीं, एक मिनट, ये क्या जबरदस्ती है सिद्धि? मैं तेरे घर आके अक्का भाई से क्यों मिलूं? मैं पर्सनली उनसे मिलके जो कहना है वो कह दूंगा, ठीक है? दादा तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, ये बात मैंने अब तक आई बाबा को नहीं बताई है, लेकिन अगर तुम नहीं चले मेरे साथ तो मुझे उन्हें बताना पड़ेगा। वाह सिद्धि, तू इतनी बड़ी हो गई कि अपने दादा को धमकी दे रही है। धमकी नहीं दे रही हूँ, समझा रही हूँ। पता है कल जब जलवा ने तुम्हारा नाम लिया तो सबसे पहले शिवा ने कहा कि तुम ये नहीं कर सकते, विश्वास किया तुम। अगर तुम ये बात वहां जाकर बता दोगे सबको कि तुमने ये सब क्यों किया, किस लिए किया, कैसे किया, तो शायद इतनी तकलीफ नहीं होगी। अगर तुमने ये सब नहीं बताया तो मुझे बताना पड़ेगा कि असली दोषी तुम हो, तुमने किया ये सब, और फिर दादा उसकी नजर में तुम्हारी छवि गिर जाएगी। उसका तरीका तुम जानते हो ना, मारता पहले और बात बात में करता है। तेरे पास 24 घंटे हैं, 24 घंटे में तू हमें बताएगा कि वो वीडियो नरपत चिकने को किसने दिया? शिवा, जलवा, कुछ पता चला? कुछ याद आया? क्यों बनाई मैंने वो वीडियो? क्यों किया मजाक जब मुझसे कुछ संभाला नहीं जाता? क्या कीड़ा काटा था मुझे शिवा दादा जो मैंने वो वीडियो बनाई? शिवा दादा, मैं अक्का भाई को बोल दूंगा, मैं हूं आपका आरोपी, मैं हूं गुनेगार, तू कुछ मत बोलना।
मैं झूठ मूठ का बोल दूंगा कि मैंने नरपत से पैसे लिए थे, तभी उनका विश्वास होगा ना। तू बीच में मत आना, बस मेरा जो होगा सो होगा, लेकिन अक्का भाई से उसका शिवा दूर तो नहीं जाएगा। मैं जानता हूँ अक्का भाई तुम्हारे लिए भगवान है और तुम अपने भगवान के बगैर नहीं रह सकते। भाग, भाग! हम अक्का भाई सरनाइक, तेरा ही नाम शिवा है ना? डरने की कोई बात नहीं है, आज से तू अक्का भाई की शरण में है, हमारे होते हुए तुझे कुछ नहीं होगा। मेरे होते हुए तुझे कुछ नहीं होगा? शिवा दादा, मेरे से गलती हो गई। आई शपथ, मुझे पता नहीं था ऐसा होगा। मैंने कहा ना, मेरे होते हुए तुझे कुछ नहीं होगा। सीधा जाके उस नरपत से पूछूंगा कि उसे वीडियो कहां से मिला, या तो वो जवाब देगा या अपनी जान गवाएगा। चौबीस घंटे जल्द ही पूरे हो जाएंगे। हमारे सवाल का जवाब है तेरे पास? शिवा, वही नहीं, वो नीचे अक्का भाई आई है। अरे देवा, चलो चलो। अक्का भाई, मैं आपको बताती हूँ, आप आराम से मेरी बात सुनिए। वो मास्टर की बेटी है ना, उसकी वजह से हुआ है ये सब। आई, ये तू क्या बोल रही है? तू चुप रह, मैं बता रही हूँ ना अक्का भाई को। वो क्या हुआ ना, हमारे यहाँ जो बाई काम करती है ना, वो अचानक काम छोड़ के चली गई, तो सारा मंगला भाई, आपके घर में क्या हुआ क्या नहीं हुआ हम नहीं जानना चाहते। शिवा, हम ये जानना चाहते हैं कि तू हमारे सवाल का जवाब देगा या फिर हम समझ ले कि ये हमारी आखिरी मुलाकात है। माई, ये आप क्या कह रही? आप जानती हैं ना, आप मेरी जिंदगी में हैं तो मैं हूं, वरना मैं कुछ नहीं, मेरी पहचान कुछ नहीं। हम ये सब जानते हैं और मानते भी हैं कि आज तक तूने कई बार अपनी जान पर खेलकर हमारा झंडा ऊंचा रखा है। तेरे ढेर सारे एहसान हैं हम पर उन एहसानों के बदले में हम अपनी आंखें, हमारे कान बंद नहीं रख सकते। शिवा, इतनी बड़ी कीमत हम नहीं दे सकते। तुझे अपने आप से अलग करना हमारे लिए आसान नहीं है, क्योंकि हम तेरी माई है, हम अपना बेटा मानते हैं। पर हम ये भी जानते हैं कि जब बेटा गलती करे तो माँ को उसे सजा देनी चाहिए। तू हमें बताएगा कि वीडियो उस चिकने के पास कैसे पहुंचा? हमारे सवाल का जवाब है तेरे पास या फिर हम जवाब मैं देती हूँ अक्का भाई। तू वीडियो के बारे में जानती है सब कुछ, ठीक है? बता हमें, कौन है गद्दार?
For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.